पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार में शुक्रवार शाम पर्दा कारोबारी पर दुकान के विवाद में सुपारी देकर हमला कराया गया था। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में अमरोहा के पैथलैब संचालक डॉक्टर सरताज समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अपराध अशोक कुमार ने बताया कि कोतवाली के कुमार कुंज निवासी अशोक कुमार की बुध बाजार पुलिस चौकी के पास पर्दे की दुकान है। इनकी एक दुकान को खाली कराने को लेकर किरायेदार लाजपत नगर निवासी नासिर से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में चल रहा था। एसपी अपराध ने बताया कि नासिर ने अपने साथी अमरोहा निवासी डॉक्टर सरताज के जरिए हमलावरों को 1,00,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने इस मामले में अमरोहा निवासी जीशान उर्फ फैजी, हैदर मुर्तजा और डॉक्टर सरताज को गिरफ्तार किया है, जबकि अनस उर्फ सोनू और नासिर फरार है। पकड़े गए जीशान उर्फ फैजी की निशानदेही पर एक तमंचा बरामद किया गया है, जिसे कारोबारी पर हमला किया गया। हमला करने के लिए 20,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र में बुध बाजार में एक घटना, बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के गोली मारी गई थी। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी और इसके लिए थाना कोतवाली और सर्विलांस की टीम ने बहुत मेहनत करके इस घटना का खुलासा किया है। इसमें चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास एक अभियुक्त के पास एक तमंचा, दो कारतूस और जो घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी उसको बरामद किया गया है। और ये जो पूछताछ और बाकी जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उससे ये तथ्य सामने आया है कि इसमें जो मजरूब अशोक कुमार थे, अशोक कुमार जो हैं, इनकी जो दुकान है, दुकान में इन्होंने किराए पे, इनका एक व्यक्ति से विवाद चल रहा था और वो नासिर नाम का आदमी, पहले फजलुर रहमान को इन्होंने किराए पे दिया था। फजलुर रहमान को करीब 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो इस केस की पैरवी नासिर कर रहा था और केस में ये लोअर कोर्ट से जीत भी चुके हैं और एडीजे कोर्ट में मामला लंबित है। तो नासिर को लगा कि अगर ये केस हम हार जाएंगे तो दुकान खाली करना पड़ेगा, तो अशोक कुमार को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसने जो है एक व्यक्ति से संपर्क किया, सरताज से, जो कि अमरोहा का रहने वाला है। सरताज ने दो व्यक्तियों से इनको संपर्क कराया, मुर्तजा और अनस रूफ सोनू। उसके बाद ये दोनों व्यक्तियों ने दो व्यक्ति हायर किए जिन पे 1,00,000 रुपए का सौदा तय हुआ कि इन्होंने, फिर उनको जो है तमंचा मुहैया कराया गया। और इसमें सैफी फैजी नाम का एक आदमी है और दूसरा हैदर, दो लोगों ने मोटरसाइकिल से इस घटना को जो 15 तारीख को कारित करने से पूर्व 13 तारीख को इन चारों व्यक्तियों ने, जैसा कि ये चार आपके सामने प्रस्तुत किए गए, इन चारों लोगों ने एक रेकी की थी। रेकी करने के बाद घटना के दिन 15 तारीख को ये सभी व्यक्ति आए यहाँ पे, मोटरसाइकिल पे हैदर चला रहा था, पीछे फैजी बैठा हुआ था और फैजी ने दुकान के अंदर घुस के व्यापारी को गोली मारी थी। इसके बाद ये भाग गए थे और जो टीमें हमारी लगाई गई थी, टीमों ने बहुत मेहनत करके सर्विलांस की मदद से, फुटेज की मदद से और जो अपने जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसके आधार पे इस घटना का निवारण किया है। इसमें फैजी का है और इसमें एक जो हैदर है इसका आपराधिक इतिहास है। बाकी के आपराधिक इतिहास के बारे में हम स्थानीय थाने से और जिले से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति अमरोहा के रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी जानकारी की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।